अस्सलामुअलैकुम सभी का आदाब। यहाँ पर ये कर्नाटक कॉलेज के अपोजिट में ये ब्रिज का काम, काफी दिनों से ब्रिज की एक साइड की वाल टूट गई थी तो बहुत बड़ा खड्डा हो चुका था। यहाँ के स्थानीय लोगों को आने जाने बहुत मसला हो रहा था। कई बार हमने आवाज उठाई, नबी कुरैशी साहब ने कई बार इसके ताल्लुक से आवाज उठाई और आखिरकार नबी कुरैशी साहब की नुमाइंदगी कामयाब हुई। और यहाँ पर ये हमारे कॉन्ट्रेक्टर है असद भाई और हकीम भाई, जो ब्रिज बनाने में एक्सपर्ट है, जैसा कि मंगलपेट की कमान का ब्रिज बना है ये दोनों कॉन्ट्रेक्टर। तो इससे पहले जो सुना था कि इधर के साइड वॉल बनाने का ऑर्डर हुआ था, मगर खाली साइड वॉल बनाने से फिर से डैमेज हो सकता है वैसा अंदाजा दिखा। तो म्युनिसिपल मिनिस्टर रहीम खान साहब ने इसको सेम मंगलपेट की कमान के जैसा ही पूरा जो सुना सिला बिलाप डाला जाएगा, पूरा सेम मंगलपेट की कमान में जैसा ब्रिज बना है उसी तरह ब्रिज बनने जा रहा है। ये उसको अच्छे से काम कराने के वास्ते ऑर्डर्स मिले हैं। ये देखिए अब ये इलाके के पूरे नौजवान आज मेरे साथ है, तो हम जानेंगे नौजवानों से कैसा महसूस हो रहा है काम शुरू हुआ तो। क्या कहेंगे आप इस मौके पर म्युनिसिपल मिनिस्टर को, सीएमसी कमिश्नर को, सीएमसी चेयरमैन को, बिल्कुल जो नबी कुरैशी साहब को, जो सब लोगों की मेहनत और मशक्कत से आज तुम लोगों के मसाइल हल होते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया अदा करेंगे। काम अच्छा हुआ तो तारीफ करेंगे, काम नहीं हो रहा तो तनकीद करेंगे। तनकीद करना हमारा जमहूरी हक है और काम अच्छा हो रहा है उसकी तारीफ करना ये इंसानी फरीजा है। तो हमारी किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, ना एडमिनिस्ट्रेशन से है ना पॉलिटिशियन से है। हमको क्या होना, डेवलपमेंट वर्क होना, हमारे को तरक्की होना, खुशहाली होना, हमारे रास्ते अच्छे होना, यही हमारा मकसद है ना। ये देखो ये नौजवानों की जो दिल की बात थी वो नौजवान भी अपनी बात रखे, तमाम नौजवान भी खुश है हमारे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसमें एक सवाल था आजकल के नौजवानों का, इसमें गंदगी बहुत हो रही है, इसमें क्या कहना है आपका? तो अभी जो ब्रिज बन रहा है काफी गंदगी यहाँ से हट जाएगी और बिल्कुल हम म्युनिसिपल कमिश्नर से इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं, हम पूरे नौजवानों के साथ में वसीम किरमानी, ये म्युनिसिपैलिटी का डंपिंग एरिया है, बीदर का पूरा कचरा लेकर फुजिलात लेकर यहाँ पर डंप करके भेजा जाता है। इसी से भी जो सुना ज्यादा मसाइल और बदबू आ रही है ना, यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ है। ये कर्नाटक कॉलेज इंस्टीट्यूशन बड़ा इंस्टीट्यूशन सामने है और यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर काफी तादाद में लोग रहते हैं, तो वो बदबू जो आ रही है, स्मेल आ रही है, स्मेल से काफी लोगों को परेशानी हो रही है ना। तो हम म्युनिसिपल मिनिस्टर से, म्युनिसिपल कमिश्नर से, म्युनिसिपल सिटी चेयरमैन से इस बात की रिक्वेस्ट करते हैं हम सारे लोग कि जल्द से जल्द ये सीएमसी का डंपिंग यार्ड यहाँ से हटाया जाए। इसके तरफ से बड़ी बदबू और गलीज बदबू आ रही है, तो हम चाहते हैं कि इसको उठाकर कहीं जो सोना सिटी के बाहर उसको बनाया जाए, सिटी के अंदर इससे इसको तुरंत हटाने की हम रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू।